हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट्स में नेक्स्ट रीड करेंगे मास और वेट के यूनिट्स के बारे में। जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो हम रीड कर रहे थे उसमें मूलतः ये मास और वेट, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। मास जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, बोला किसी वस्तु या चीज़ में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। कि किसी वस्तु के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा मौजूद है। फॉर एग्जांपल लेके चले हम किसी थैले में चावल है, वो कितने है। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि 2 kg अगर हमारे पास चावल है तो ये हमारे पास उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि द्रव्यमान कहाँ भी नापो तो ये बदलता नहीं है, मतलब यानी कि ये हर जगह पर सेम रहता है। तो नेक्स्ट जो वेट होता है, वेट किसी भी वस्तु को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, के विपरीत उठाने के लिए आवश्यक बल की जो आवश्यकता पड़ती है उस वस्तु का मतलब भार कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को उठाते, फॉर एग्जांपल हमारे पास वही एक थैला जो है जो 2 kg चावल से भरा हुआ है मतलब, और हम उसको उठाते हैं तो उसको उठाने के लिए जो हमें बल की आवश्यकता पड़ती है तो उसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। ये न्यूटन जो सेकंड नियम, जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है उसी बेस पर काम करता है। भार वजन जिसे बोल सकते हैं आप, किस स्थान के अनुसार बोलता है ये बदलता है। जैसे हमारे पास धरती पर जो बल लगता है उसका 1/6 हिस्सा जो होता है बल चांद पर उसी वजन की वस्तु को उठाने में लगता है। मतलब यानी कि जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज़्यादा होता है चांद का, कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे बल जो होता है चांद पे वो कम लगता है। अब आते हैं MKS सिस्टम के बारे में, भार को लेकर के। इसमें हमारा मूलतः ग्राम, तो हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से किलोग्राम जो होता है इसका यूनिट्स है। तो इसमें हम वही लास्ट जैसे हमने पहले रीड किया था मिली, वहाँ पे हमारे पास मीटर होता था लंबाई के, इसमें ग्राम होता है, वहाँ पे मिली मीटर, सेंटीमीटर और डेसी मीटर, यहाँ पे जो होता है ग्राम में होता है, बाकी सेम टू सेम। ये हमारे पास सब मल्टीपल और मल्टीपल जो हमने रीड किए हुए, तो ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। हम आगे रीड करें, जैसे 1 ग्राम जो होता है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ से आगे के जैसे 10-10 का आपका मल्टीपल जो होगा कि भाई 1 ग्राम जो होता है और 1 मिलीग्राम के बीच में जो गैप आ रहा है, जैसे 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000, तो ये मतलब इनके 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। फिर उसके अलावा हम बेसिक जो ये आपका 1000 मिलीग्राम, 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, जैसे इसके बीच में भी जो गैप आया 10-10 का ही गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 kg जो होगा ये 1000 ग्राम के बराबर होगा, और 1 ग्राम जो होगा वो 1/6, मतलब यानी कि 1 ग्राम जो होगा वो 1 kg का 1000वां हिस्सा होगा, मतलब 1/1 ये 1 kg का 1000वां हिस्सा होगा, ये हमारे पास 1 ग्राम। उसी तरह 1 क्विंटल इम्पोर्टेंट है, ये 100 kg के बराबर होता है सॉरी, और 1 टन जो होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है। 10 मतलब यानी कि वो 10 × 100 1000 kg के बराबर, क्योंकि हमारे पास 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg के बराबर होता है, तो ये 10 × 100 kg में अगर बात की जाए तो 1 टन जो होता है वो हमारे पास 1000 kg के बराबर होता है। उसी तरह से FPS सिस्टम के हिसाब से, फुट पाउंड जो सेकंड हमारे पास ब्रिटिश प्रणाली है उसके हिसाब से, 1 पाउंड जो होता है 16 औंस के बराबर होता है, 100 वेट जो होता है वो 4 क्वार्टर के बराबर होता है, और आगे बात की जाए तो ये मतलब इनके 100 पाउंड जो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो होता है वो 100 पाउंड के बराबर 100 वेट को लिया जाता है, और यूके यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पे मतलब 112 पाउंड के बराबर माना जाता है, तो इसको ही मुख्यतः मतलब लिया जाता है। 1 टन जो होता है वो 100 वेट के बराबर होता है, और 1 टन जो होता है वो 20, अगर हम पाउंड में बात करें तो 20 × 112, यही मेन होता है, तो इसको
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 2240 पाउंड के बराबर होता है, मतलब एक टन जो होगा वो 2240 पाउंड के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके रिलेशन की, तो मीट्रिक प्रणाली और जो हमारे ब्रिटिश प्रणाली का जो रिलेशन है उसके हिसाब से एक पाउंड एक औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। एक पाउंड जो होता है अगर हम ग्राम की बात करें, ठीक है, अब ये जैसे हमें पता था एक औंस जो होता है 28.35, तो वैसे एक पाउंड जो होता था 16 औंस के बराबर होता था। तो इसको हम ग्राम जो होगा 28.35 गुणा 16 करेंगे तो ये 435.6 ग्राम के बराबर हमारे पास निकलेगा। किलोग्राम में बदलना हो तो इसको हम 453.6 बटा 1000 करके हम इसको किलोग्राम में, ये दशमलव आपका पीछे आ जाएगा तो ये आपका 0.4536 ये केजी के बराबर आ जाएगा। उस तरह से एक 100 CWD जो होता है 100 वेट का 112 पाउंड के बराबर ये हमने रेड किया हुआ FPS सिस्टम के हिसाब से। अगर हम इसी को केजी में कितने केजी के बराबर होता है तो वो 112 गुणा ये हमारे पास जो ग्राम था ग्राम, और ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया 50,803.2 ग्राम। और इसी को अगर हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग किया, ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो हमें भाग किया 1000 से, तो ये 50.80.32 अप्रोक्सी, मतलब इनके 50.8 किलोग्राम के आसपास होता है एक CWD। एक किलोग्राम की बात की जाए तो एक किलोग्राम जो होता है वो आपका ये हमारे पास जो 0.4536 की या ग्राम की बात की जाए, ठीक है, तो वैसे ये हमारे पास पौंड में जो आता है ये अप्रोक्सी 2.205 पौंड के बराबर आता है। ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर एक पौंड हमारे पास केजी की, एक पौंड जो होगा वो आपका ये 0.4536 केजी के बराबर होगा, ठीक है। तो एक केजी जो होगा वो 1/0.4536 पौंड, मतलब एक पौंड बटा ये आ जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास 2.205 पाउंड के बराबर आ जाएगा। आगे क्विंटल की बात की जाए, एक क्विंटल ये 1.968 CWT के बराबर होता है, 100 वेट के बराबर होता है। अब ये हमें पता है कि एक CVT जो होता है 50.8 यहाँ से केजी के अप्रोक्सी होता है। तो एक CVT जो होगा 50/100 जब हम क्विंटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक क्विंटल जो होता है वो 100 KG के बराबर होता है। तो ये आपका डिवाइड कर हो जाएगा, ये 0.508 क्विंटल के बराबर आ जाएगा। और आगे जो होगा वो आपका एक क्विंटल जो होगा ये जब डिवाइड करेंगे तो एक क्विंटल इधर रहेगा, ये CWT 1/ ये इस साइड का मल्टीप्लाई था इधर क्विंटल के साथ, तो ये इधर आके भाग हो जाएगा 0.508, तो ये आपका 1.968 CWT के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।